रश्मि रथी में अब तक आपने सुना भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए। उन्होंने दुर्योधन को प्रस्ताव दिया कि सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, युद्ध की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दुर्योधन ने अपने अहंकार में वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। तीसरे सर्ग के इस दूसरे भाग में आप सुनेंगे कि श्री कृष्ण निराश होकर वापस लौट रहे हैं। कर्ण उनको विदा करने कुछ दूर उनके साथ आते हैं। कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि संसार को इस प्रलयंकारी युद्ध से बचाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ है। दुर्योधन तुम्हारे बल पर ही ये युद्ध लड़ने वाला है। यदि तुम उसे छोड़कर अपने वास्तविक परिवार के साथ आ जाओ तो दुर्योधन की हिम्मत टूट जाएगी और वो युद्ध का विचार त्याग देगा। वास्तविक परिवार यानी माँ कुंती और भाई पांडव। कौरवों के लिए तुम सिर्फ योद्धा हो, लेकिन पांडवों के लिए तुम बड़े भाई हो, पूज्य हो, पूरा राज्य तुम्हारा होगा और तुम एक छत्र राजा। इस प्रस्ताव के जवाब में कर्ण जो कहता है वो आपकी अंतरात्मा को थर्रा देगा। दिनकर ने रश्मि रथी का ये अंश लिखने के लिए अपनी कलम स्याही में नहीं आंसुओं में डुबोई होगी। वो दिनकर बनकर तो ये अंश लिख ही नहीं सकते थे, उन्हें कर्ण बनना पड़ा होगा। कर्ण की वेदना अपने सीने पर सहनी पड़ी होगी। मेरी नज़र में रश्मि रथी का ये अंश कविता का वो सर्वोच्च शिखर है जिसे आधुनिक कविता में ना कोई दिनकर से पहले छू सका, ना दिनकर के बाद। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी डल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह
क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भू का हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानी व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास दस तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माँ का पय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पाप पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय, ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था, उस समय सुवंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा।
सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वो यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डरकर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है, जिस नर की बांह गही मैंने, जिस तरु की छांह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या स्वयं आप कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा भी छू न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरित निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ पल विलास, पर वो भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं।
प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका, वही फणिबंद छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं के समर में डूब मरूं, अब देर नहीं की जय केशव, अब शेर नहीं की जय केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छुपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले के वीर शतवार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, मुझे किसी से प्यार नहीं है, आंखें मगर सवाली है, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए, हमारे गांव में बहने उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है, एक या दो बार नहीं कई बार इश्क हुआ साहिर को, और हर बार उसी शिद्दत उसी मासूमियत और उसी ईमानदारी से हुआ जैसे पहली बार। साहिर और अमृता की लव स्टोरीज तो खैर अब लेजेंड्स का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन साहिर की ऐसी भी कुछ प्रेम कहानियां हैं जिनके नसीब में अफसाना बनना लिखा ही नहीं था। साहिर की मोहब्बतें, इस सीरीज़ में हम उन्हीं अफसानों के पन्ने पलटेंगे जो कभी लिखे ही नहीं गए। ये वही लड़की थी जो अगर मांग लेती तो मैं जान दे देता, वही लड़की जो पिछले 2 सालों से मुझ पर जुनून की तरह छाई हुई थी, वही लड़की जो अमेठी जैसे छोटे से ठहरे हुए कस्बे में रहकर भी इतनी अनोखी थी कि स्कूल में मेरे दोस्तों के सामने खुद आकर उसने मुझे प्रपोज कर दिया था, मेरे होश उड़ गए थे।